केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामरेखा घाट के सामने गंगा नदी में बने फ्लोटिंग हाउस यानी पानी में तैरते घर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह अनोखा प्रयोग है, यह लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से प्रेरित है। इसे बिहार के आरा के प्रशांत व उनकी टीम ने बनाया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि यह एक अनोखा प्रयास है। सबसे अच्छी बात है कि इस प्राकृतिक घर को बनाने में किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि घर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का भी अनोखा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस तरह के घर इको टूरिज्म को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, साथ ही बाढ़ आदि में फ्लोटिंग हॉस्पिटल आदि को बल प्रदान कर सकते हैं। इंजीनियर प्रशांत ने केंद्रीय मंत्री को पानी में तैरता हुआ घर घुमाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस घर को विशेषज्ञ को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ मंत्र से यह घर प्रेरित है। उन्होंने कहा कि घर बनाने वाले प्रशांत कुमार बिहार के आरा के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपशिष्ट और प्राकृतिक सामग्री और रचनात्मक कला के साथ काम करने में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्होंने लंबे समय तक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण लिया और अपने जुनून में इसे लागू किया। उनके काम में टिकाऊ निर्माण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और सामाजिक प्रभावों के लिए परियोजना जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। 2017 में प्रशांत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैलाते हुए साथी सवार बेंजामिन रीड के साथ भारत से स्कॉटलैंड तक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की। 2020 में प्रशांत बिहार लौट आए और स्थानीय बिहारियों को अपशिष्ट पुनर्चक्रण, प्राकृतिक निर्माण और कई लचीले आजीविका तरीकों में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने पर काम शुरू किया। प्रशांत ने केंद्रीय मंत्री चौबे को बताया कि यह भारत का पहला जलवायु अनुकूल फ्लोटिंग हाउस है। जलवायु अनुकूल बिहार और दुनिया के लिए अपनी दीर्घकालीन दृष्टि परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, जो लाखों लोगों को बाढ़ से बचाने में मदद कर सकता है। 2017 में भारत से लेकर के स्कॉटलैंड के एक मोटरसाइकिल की यात्रा पे निकला था और 4 सालों में बिना पैसे के ये जर्नी किया। उस जर्नी के दौरान मैं बहुत सारे समुदाय और कम्युनिटी के साथ में वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया और उसके चलते फिर जो सीखा, वापस जब भारत आया, पुणे में रहता था तो लगा कि जहाँ का हूँ वहीं चला हूँ, बिहार चला आया और फिर लगा कि यहाँ आकर के अब काम करूँ इस पर और जो करता हूँ उसको सिद्ध करने की कोशिश करूँ। वॉलंटियर्स बहुत मेरे पास इस प्रोजेक्ट में अक्सर आए, कुछ जर्मनी से आए, कुछ फ्रांस से आए, चेकोस्लोवाकिया से आए। अभी सर ये जो है इस तरह के आरा में अगर समय मिले तो आरा में सर हम क्या किए हैं कि वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट डेवलप किए हैं 40-50 से ज़्यादा।